सो वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। आज हम बहुत ही कमाल का कंपेरिजन करने वाले हैं। पेबल की वॉच है मेरे पास जो कि डेयर है। ये आपको 1500-1600 रुपए के प्राइस ब्रैकेट मिल जाती है। मैंने इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मेरे पास आती है फायरबोल्ट की कोबरा। तो गाइस कोबरा काफ़ी पॉपुलर रही थी वॉच और काफ़ी रगेड बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। और गाइस ये कॉम्पिटिटिव है इस वॉच से रिलेटेड, मतलब इस वॉच से अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ तो ये डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। ये अराउंड 2000 से 2100 रुपए के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है। तो गाइस 1600 की आपको ये बाय करनी चाहिए या आपको अराउंड 400-500 देके कोबरा बाय करनी चाहिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे पेबल की बात में कर दो, यहाँ पे सबसे पहले लुक और फील तो दोनों का ही काफ़ी कमाल का मिलता है। इस तरीके से आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। इसमें पेबल में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ पे रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिल जाता है, बट फायरबोल्ट की वॉच में रोटेटेबल क्राउन नहीं मिलता, ये है कहीं ना कहीं। और लुक और फील की बात में करो तो दोनों ही आपकी रगेड बिल्ड है। एल्युमिनियम का केसिंग यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आपको टोटली प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है बट काफ़ी रगेड है ये भी। और एक टाइप का कह सकते हो ऊपर की साइड से रिंग टाइप का दिया गया जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलता है इनको दोनों को ही। और यहाँ पे दो बटन मिल जाती हैं, यहाँ पे एक सिंगल बटन है, यह पुशेबल भी है और यहाँ पे रोटेटेबल भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। पीछे की साइड आपको डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेज में, रेड और ग्रीन एक्शन के सेंसर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पेंस मिल जाती हैं। और स्ट्रैप्स रिमूवेबल हैं कि नहीं वो मैं चेक करता हूँ एक बार। यहाँ पे इसको निकालते हैं तो इसमें लगा के देखेंगे लगेंगे कि नहीं, और इसका हम इसमें लगा के देखेंगे तो गाइस नो नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे ये बड़े पड़ रहे हैं, है ना। इसका हम लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है फायरबोल्ट की वॉच में नहीं लगने वाले, तो ये बड़ा है कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, तो ये मेरे पास है एक वॉच, ये अभी लॉन्च होने वाली है फायरबोल्ट की। इसका जो स्ट्रैप है आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है अगेन, तो पेबल का स्ट्रैप साइज़ डेफिनेटली बड़ा है। मैंने रिव्यू में शायद नहीं बताया था बट मैं आपको अभी कंफर्म कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आप इसको फंसाना है और यहाँ पे इस तरीके से लग जाता है। तो गाइस इस तरीके से मिल जाता है, आसानी से आप रिमूव कर सकते हो। और आपको इसका चाहिए तो आफ्टर मार्केट का आपको चूज़ करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सारी की सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात सबसे पहले बात करते हैं। तो डिस्प्ले में स्ट्रेट अवे फायरबोल्ट की जो कोबरा है वो जीत जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले आपको एमोलेड मिलती है, यस आपने इसे सुना, इसमें एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर फील होती है आपको अदर वॉचेस से। खासकर इसमें आपको एमोलेड नहीं है, TFT LCD पैनल है और इसीलिए इसमें फीचर भी ज़्यादा देगी जिसकी रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पुराना वाला UI मिलता है टाइप का इसमें देखने के लिए। और अगर आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, नो गाइस ये कैमरा नहीं, यहाँ पे बस ये लुक है, कैमरे जैसा लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात में करो तो यहाँ पे पेबल की मेरे को पसंद आई एज कम्पेयर टू दिस वन, थोड़ी सी हार्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। पेबल की उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है स्ट्रैप की क्वालिटी। अब गाइस यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2 inches की डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे आपको 1.7 inches की डिस्प्ले मिलती है। तो गाइस ये आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आपको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए तो आप पेबल के लिए जा सकते हैं, बट अगेन पेबल में आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा आप सब। और ये वॉच आपके लास्ट टू मीडियम डिस्प्ले ठीक है, और ये वॉच भी आपके लास्ट टू मीडियम डिस्प्ले ठीक है, थिनेस्ट पे अच्छी नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। तो दोनों ही वॉचेज आपके लास्ट टू मीडियम डिस्प्ले बनी हुई, थिनेस्ट पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। अब गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लैट डिजाइन मिलता है आपको, 2.5D कर्व ग्लास कहीं भी नहीं है। ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं टॉगल मेनू खुल जाता है, ये आपकी जो BXP की मार्व एजेंसी की डिटो कॉपी है, पूरी की पूरी डिटो कॉपी है। ये फायरबोल्ट की जो विजनरी है उसकी डिटो कॉपी पूरी की पूरी, जो पहले वाला UI आता था वही वाला UI इसमें दिया गया, सेम एज इट इज। यहाँ पे टॉर्च लाइट मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको टॉर्च लाइट मिल जाती है, नो गाइस टॉर्च लाइट इधर की साइड नहीं है, आई थिंक अंदर होगी। यहाँ पे ये स्क्रीन वेक का ऑप्शन मिलता है बेसिकली, देखो फ्लैश लाइट, ओके यहाँ पे ये है फ्लैश लाइट, ये मैंने रिव्यू में भी गौर नहीं किया था एक्चुअली, ये तो काफ़ी अच्छा है गाइस, प्रॉपर एक फ्लैश लाइट है ये, इसके लिए तो डेडिकेटेड एक वीडियो होनी चाहिए, काफ़ी अच्छा है गाइस, ये मेरे को पता नहीं था, अभी पता चला है मेरे को, तो काफ़ी अच्छा है गाइस ये। अब गाइस यहाँ पे टॉगल मेन्यू में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि आपको टॉर्च लाइट मिल जाती है और कनेक्टिविटी शो करता है यहाँ से, उसी के साथ साथ यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, यहाँ पे कॉलिंग वाला कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ना। और यहाँ पे पावर सेयर मोड भी देखने मिल जाता है, यहाँ पे जा नहीं रहा एक्चुअली, कैलकुलेटर का शॉर्टकट मिल जाता है, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसमें आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे एयरप्लेन मोड पे भी कर सकते हो तो कॉलिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो ये है कहीं ना कहीं। कैलेंडर भी देखने मिल जाता है जो कि आपको इस वॉच में नहीं मिलता, तो इसमें कन्वीनियंट ज़्यादा है मतलब चीज़ें। सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग में डायल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी वॉच फेस यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, 7-8 वॉच फेस मिल जाते हैं और इसमें भी आपको 5 मिल जाते हैं बेसिकली, तो ये है डिफरेंस कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें ये वाला भी अच्छा लग रहा है, दोनों ही काफ़ी बेटर लग रही है। जिसको रगेड वॉच है डेफिनेटली टेक अ लुक कर सकते हैं। राइट साइड में स्वाइप करते हैं शॉर्टकट मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मिलती है और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है,
ये थोड़ा सा टच रिस्पॉन्स कभी कभी पेबल वाली वॉच ना डिले कर देती है। नीचे की साइड से आपको ये मैसेज नोटिफिकेशन तो मिल जाते हैं। अब गाइस ए टू सी सारी की सारी चीज़ों को चेक करते हैं। यहाँ पे डबल टैप करके मेन्यू चेंज होता है और यहाँ पे आपका डबल टैप करके मेन्यू चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप सब। यहाँ पे लाइव वॉच फेस भी है इसमें देखने के लिए, देखो चल रहा है इसमें लाइव वॉच फेस चल रहा है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेप्स काउंटिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो कॉलिंग ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले कैसी की अलाउडनेस मिलती है। तो कनेक्टेड नहीं है, इसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा आई गेस। यहाँ पे जो ऑप्शन था सो यहाँ पे डायल हो चुका है और कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी है। लाउडनेस ठीक मिलती है आपको यहाँ पे, इधर से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, वापस फ़ोन में ले सकते हो, तो इस तरीके से मिलता है। और यस वॉइस असिस्टेंट भी प्रॉपर काम करता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता, वैसे तो काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट अच्छा काम कर लेता है यहाँ पे। ये रहा आपका वॉइस असिस्टेंट, थोड़ा सा नीचे जाओगे ये रहा है ना। अब अगर मैं इसमें बात करूँ यहाँ पे कॉलिंग वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेन्यू तो खुल नहीं रहा है, इधर की साइड से आपको डबल वो करना है तो मेन्यू खुल जाएगा। अब यहाँ पे डायल करते हैं तो लाउडनेस मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन है ना। कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन ज़रूर है इसके अंदर भी, यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट प्रॉपरली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब मेन्यू पे चलते हैं, रिकॉर्ड जो आपने एक्टिविटी रिकॉर्ड की वो शो करता है। उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, इसमें भी आपका हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। वैसे सेंसर आपको दोनों में देखने मिलते हैं, ओवर द एयर यहाँ पे काम नहीं करते हैं। स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको स्लीप मॉनिटर मिलता है, बट ये है कि मिनिमम आपको 6 घंटे की स्लीप लेनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंगल सेंसर है, फायरबोर्ड की वॉच में डबल सेंसर है, तो इसमें डेडिकेटेड सेंसर भी, ये भी काफ़ी अच्छा होता है, अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को इससे, आप चेक करें। अब ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आपका ट्रेनिंग का ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाता है, ये रहा स्पोर्ट्स। तो वॉकिंग करके देखते हैं 50 स्टेप चलते हैं यहाँ पे, एक्यूरेसी किसमें बेटर मिलती है किसमें नहीं मिलती चेक कर लेते हैं एक बार है ना। सो मैंने 50 स्टेप चल लिए यहाँ पे, 50 स्टेप चलने के बाद यहाँ पे 83 दिखा रहा है पेबल में तो, और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 55 दिखा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच में एक्यूरेसी बेटर मिलती है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा इसमें दिखा दिया है पेबल की वॉच में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद उसको वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, वेदर अपडेट्स में भी देखने को मिलते हैं। प्लेयर का ऑप्शन मिलता है, वॉच में प्ले कर सकते हो सॉन्ग को, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते इसमें आप फायरबोल्ट की वॉच में, बट इसमें आप वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे इरा वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जेन मोड मतलब ब्रीद रिलैक्स मोड मिल जाता है, इसमें भी देखने को मिल जाता है। फीमेल हेड ट्रैकिंग ऑप्शन है, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है और फ्लैश लाइट भी है इसके अंदर फायरबोल्ट की वॉच में। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे गेम भी देखने को मिलता है, तो गाइज इसमें आपका फायरबोल्ट की कोबरा में गेम नहीं मिलता देखने के लिए। कैलेंडर भी मिल जाता है इसमें आपको, गेम कैलेंडर का ऑप्शन अवेलेबल है और कैलकुलेटर तो है ही दोनों ही वॉचेज़ में, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिबूट है, कैमरा है और यहाँ पे आपका स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिल जाता है। फ्लैशलाइट तो ऊपर से आपकी टर्न होती है, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, ये मैंने चेक नहीं किया था एक्चुअली, अब पता चला, मुझे लगा कैमरा टाइप का है कुछ, मतलब ऐसे डिज़ाइन दिया गया है, बट ये फ्लैशलाइट थी। उसके बाद डाउनलोड ऐप है और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। आप एक काम करते हैं, हाथ पे पहनते हैं, ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं। फाइनल कंक्लूजन आपको देता हूं दोनों ही वॉचेस के लिए। फिलहाल मैंने ऑक्सीमीटर को वेयर कर लिया और यहाँ पे दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन भी लिया है। यहाँ पे चेक करते हैं हार्ट रेट सबसे पहले, यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, 100 दिखा रहा है स्पीड टू 100 हमारा हार्ट रेट दिखा रहा है। 98 हो चुका है, 95 हो चुका है, यस 95 पे रुक चुका है। ओके यहाँ पे पेबल की वॉच कुछ ज़्यादा दिखा रही है और यहाँ पे भी आपका कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, बट यहाँ पे हार्ट रेट हमारा 88 शो कर रहा है, 85 हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे किस में बेटर मिलता है आपको देखने के लिए, 84 85, और यहाँ पे नो चांस, यहाँ पे डिफरेंस डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाता है अच्छा खासा। अब यहाँ पे पेबल की वॉच लाइन पे आ चुकी है। देखो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा SPO2 या हार्ट रेट आप चेक करें वॉच से, एज अ रेफरेंस की आप चेक कर सकते हैं, एक्चुअल नहीं चेक कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बजट ब्रैकेट में आपको वो एक्यूरेसी नहीं मिल सकती। आपको एक्यूरेसी तो सैमसंग या अमेज़फिट की वॉचेस के लिए जाना चाहिए, जो कि हाई रेंज में आती है एप्पल की वॉचेस के लिए। तो गाइज इस तरीके से आपको देखने मिल जाता है, और ये रहा SPO2। देखो सिंपल सी बात है गाइज, यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन सी वॉच है, यहाँ पे फायरबोल्ट की कोबरा ज़्यादा बेटर है। स्टेप्स काउंटिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका और साथ में AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 500 रुपये देखिए आपको डेफिनेटली फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है। रगेड बिल्ड क्वालिटी इसकी मेरे को स्लाइटली ज़्यादा लगी फायरबोल्ट की कोबरा की एज़ कम्पेयर टू पेबल, और पेबल की भी अच्छी वॉच है। रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिल जाता है, बट अगेन गाइस 1500 रुपये की प्राइस बैक में इवन 1800 भी होता ना इसका प्राइस AMOLED देते तो काफ़ी मज़ा आ जाता, बट इसमें TFT LCD पैनल है, ये मेरे को फ्लॉ लगा कहीं ना कहीं, और तो सारी चीज़ सही है। इसमें भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले
पे मिल जाता है देखने के लिए, बट अगेन गाइज ये बीट एक्स पी मारवेज की कॉपी है पूरी की पूरी। तो गाइज इससे बेटर बीट एक्स पी मारवेज आप ले सकते हैं 1000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि सेम बड़ी डिस्प्ले के साथ आती है और उसमें भी TFT LCD पैनल देखने को मिल जाता है। तो गाइज इसे ड्यू डाउन कंपेरिजन, अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।